नमस्कार, स्वागत है आपका इन खबर में। मैं हूं उर्वशी सिंह आपके साथ। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का माहौल बन गया है। कुछ ही दिनों में चुनाव है, वहीं एक आम आदमी की आवाज उठाने वाले एक मसीहा का मामला सामने आया है, जो कि इस चुनावी मैदान में कई पार्टियों को टक्कर देने के लिए निकल पड़ा है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन हो रहे हैं। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले 54 वर्षीय शंकर लाल साहू रामनगर मुक्ति धाम में 35 सालों से अंतिम संस्कार करते हैं। इस बार वो अपने नामांकन फॉर्म खरीदने कलेक्ट्रेट पहुंचे। शंकर लाल ने कहा कि वो विकास करना चाहते हैं और समाज में फैली गंदगी को साफ करना चाहते हैं, इसलिए वो चुनावी समर में कूद पड़े हैं। कोरोना काल में उन्होंने अपने तीनों बच्चों को मानव सेवा में झोंका है। उन्होंने कहा कि हार जीत अपनी जगह है, पर मैं मरते दम तक मानव सेवा के लिए समर्पित हूँ, इसलिए वैशाली नगर विधानसभा से चुनाव लड़ने नामांकन फॉर्म खरीदने आया हूँ। गरीब हूँ, मेरे लिए बूथ में बैठने वाला शायद कोई ना हो, लेकिन मैं जनता की ताकत और आशीर्वाद से चुनाव लड़ूंगा। मैंने 35 साल से रामनगर मुक्ति धाम में डोम के रूप में निस्वार्थ मानव सेवा की है। शंकरलाल बच्चों के गुल्लक से 5,000 के सिक्के और अपने जमा किए हुए 5,000 रुपए यानी कुल 10,000 रुपए लेकर नामांकन फॉर्म खरीदने पहुंचे। वैशाली नगर में विकास तथा समाज सेवा के लिए वो घर घर जाकर लोगों से संपर्क करके वोट की अपील कर रहे हैं। शंकरलाल ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी भी बड़ी पार्टी के उम्मीदवार से नहीं है। उन्होंने कहा कि वो गरीब हैं और राजनीतिक पार्टियों के मुताबिक उनके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। युवक का कहना है कि वो देश से गंदगी को हटाना चाहते हैं, साथ ही मानव कल्याण का भी काम करने के लिए इस चुनावी सफर में आना चाहते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द ही लौटेंगे ऐसी ही चुनाव और देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इन खबर पर।